देखिए, समस्तीपुर जिले के यह हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत फुलहट्टा चौर का एवं आसपास का एरिया है। यह तस्वीर देखिए कि यहाँ पुलिया का निर्माण कई महीने पहले से किया गया था और पुलिया का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। अप्रोच पथ इसका नहीं बनाया गया। ये अप्रोच की स्थिति देख लीजिए कि बीच में मिट्टी को डाल करके किसी तरीके से यातायात व्यवस्था बहाल की जा रही है। सामने की तरफ आप देखेंगे कि चार चक्का गाड़ी आ रही है, गाड़ी जाने में भी परेशानी हो रहा है, मवेशियों का झुंड है, मवेशी तो किसी तरीके से चले भी जाएंगे पीछे चार चक्का की गाड़ी। और इस तरीके से यहाँ पर जरा सा फिसलन की वजह से यहाँ पर इस गड्ढे में कभी भी हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ जो अप्रोच बनाया गया, अप्रोच पथ का जो स्थिति है काफ़ी खतरनाक स्थिति में। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएं कि कैसे यह किनारा छोड़ा हुआ है, मिट्टी नहीं भरने की वजह से इस तरीके का है। यह जो किनारा का है, इस अप्रोचिंग का, यह आप दीवार देख रहे हैं कि यह भी पूर्ण नहीं किया गया है। जैसा कि देखने से लग रहा है कि किनारे में पानी है, जल जमाव की स्थिति है, इधर कीचड़ है। अच्छा, देखने से लगता है कि बाढ़ बरसात की वजह से भी यह काम को अपूर्ण छोड़ दिया गया होगा या देर हो गई होगी। कितना दिन से? 6-7 महीना से बन रहा है, लेकिन अभी नहीं, बाढ़ के कारण नहीं बना है। बाढ़ के कारण से नहीं बना है, तो ये अप्रोच जो है सो मिट्टी डाल दिया गया है, इस होकर के तो बड़ी वाहन तो नहीं जा पाता है। नहीं जाता। तो घटना दुर्घटना होता होगा, बाइक भी कई बार फिसल सकता है। हाँ, गिर जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने? जल्द से जल्द बने। एक कौन सा जगह हुआ जहाँ पर ये बन रहा है पुल? फुलहट्टा और कनौजर के बीच में। हाँ। तो फुलहट्टा और कनौजर के बीच का यह भाग है। फुलहट्टा चौर में ही पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पथ काफी जर्जर अवस्था में था। कई साल पहले से इस सड़क के साथ ही पुल निर्माण की मांग की जा रही थी। पुलिया के निर्माण का सपना साकार हुआ, सड़क बने हैं, लेकिन इसको अप्रोच पथ नहीं भरने की वजह से परेशानी हो रही है। क्या क्या दिक्कत होता है? कितने गाँव के लोग प्रभावित होते हैं? ये 4-5 गांव के लोग पर। कौन कौन गांव? जैसे एक नजर हो गया, उधर माधोपुर, सलहा पार हो गया, यही सब, मननपुर इधर हो गया। तो खास करके रात में तो घटना उतना हो सकता है। हाँ, होता है, मोटरसाइकिल चलने में दिक्कत होता है, इस पे चार चक्का तो चलता नहीं होगा। नहीं, बहुत मुश्किल से चलता है, ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं आ पाता। आप लोग भी लोकल ही है? जी। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग करना रहा है यही, जो इसको थोड़ा जल्द से जल्द बनाया जाए, आदमी सुरक्षित रहेगा। तो जो ठेकेदार है अभी करता है, उनकी लापरवाही है क्या? अभी पूरा ठेकेदारी के, वो जिस दिन बाढ़ आया था नीचे से रास्ता ही था उसका, तब यहाँ पर बोला गया था तो थोड़ा थोड़ा माटी डाल के बनाया गया, मोटरसाइकिल पास हुआ था, नहीं तो फिर आना जाना बंद था, फिर पूरा बंद ही था। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जैसे देखे कि आप जैसे गाड़ी इस होकर के गुजरी और धूल धक्कर उड़ना शुरू हो गया। सामने दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ देखिए, कनौजर जाने की तरफ के हिस्से से आप देखिए कि इधर भी जो है किनारा बनाया गया है और इसका जो अप्रोच नहीं बनाया गया है। दूसरी तरफ देखिए कि अप्रोच पथ का पुल के से जो लिंकेज है, यहाँ जो मिट्टी डाले गए हैं वह भी प्रॉपर तरीके से नहीं डाला गया है। किस तरीके से गड्ढा है, अगर रात में उस तरफ से गाड़ी आ जाती है तो यहाँ हादसा हुए बिना नहीं रह सकता है। अप्रोच जो बनाया गया, सिर्फ मिट्टी रख दिया गया है, लोग किसी भी तरीके से जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। यह देखिए दूसरी तरफ, पूर्व तरफ का हिस्सा भी देखिए कि किस तरीके से पुल से सटा हुआ जो अप्रोच है उसकी क्या स्थिति है। और जो मिट्टी भी है, जो प्रॉपर तरीके से अगर अभिकर्ता के द्वारा तत्काल परिचालन के लिए बनाया भी गया था तो इस मिट्टी को तत्काल ठीक तरीके से डालना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से नहीं डाला गया। और कभी भी यहाँ पर यह धसान बढ़ सकता है और धसान की वजह से कभी भी हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सामने की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ जब कनौजर की तरफ का जो पथ है उसमें देखिए कि चार चक्का गाड़ी है, उसको चलने में परेशानी हो रही है। दोनों तरफ का जो किनारा है, पुल का निर्माण ही अब तक पूरा नहीं हो सका है। दोनों तरफ का जो अप्रोच है वह भी अधूरा है इस तरीके का। इधर से हम कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इधर देखिए इनकी निर्माण कार्य की जो स्थिति है, पुल के किनारे की स्थिति है उसको देखिए, ये अब तक अपूर्ण है। अभिकर्ता अगर चाह जाते तो समय से इसे पूरा किया जा सकता था। बाढ़ बरसात की वजह से भले ही इस काम को रोक दिया गया है, लेकिन समय रहते इसको पूरा किया जा सकता था। और ऐसे में जब अप्रोच पथ का अभाव है तो आने वाले जो लोग हैं, जो जाने वाले लोग हैं, बाइक सवार हों, चार चक्का सवार हों या जो भी गाड़ी सवार हों, उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है, दोनों तरफ से परेशानी हो रही है। खास करके रात में जो लोग चलते होंगे उनको कितनी परेशानी हो रही है, इस बात को समझा जा सकेगा। लिहाजा दर्जनों गांव के लोगों के लिए यह सड़क नितांत आवश्यक है। और सड़क तो पूर्ण है ही,
सड़क दोनों तरफ पीच युक्त सड़क है, लेकिन बीच में यह पुल का निर्माण किया गया, लेकिन अप्रोच पथ के अभाव में लोग चाह के भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं और पुल का निर्माण कार्य भी अपूर्ण है। इसको पूर्ण कराने की निहायत जरूरी है और इस तरह का लोग मांग कर रहे हैं। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज़ लाइव, समस्तीपुर, बिहार।